नमस्कार, पीके वी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 की तैयारी कराने आए हैं, जिसमें आज हम इतिहास के सीरीज लेकर आए हैं और आज का वीडियो बनने जा रहा है इतिहास के छठा चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इससे पहले का वीडियो हम बना चुके हैं, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। छठा चैप्टर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो भी क्वेश्चन का सीरीज है 2011 से लेकर 2021 की परीक्षा तक जो भी पूछा गया क्वेश्चन है, सभी इसमें सम्मिलित किया गया है। आप इसका अध्ययन करके अधिक से अधिक नंबर उठाने का प्रयास करेंगे, आप हमें कमेंट भी करेंगे आपका कितना उत्तर सही जा रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन है मुंगेर, खगड़िया, पटना, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कौन सा वर्ग, सेकेंड क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति और शोषणकारी प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस लिए बनाया गया था? एक में सैनिक रखने के लिए, दो में अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, तीन में अनाज रखने के लिए, चार में पूजा करने के लिए। तो किसके लिए पटना में गोलघर बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेगा अस्तनिज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का यात्रा किया था मेगास्तनीज, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है इंडिका। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? छठा क्वेश्चन है, बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ मेरे मित्र? तो 1855 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 1855 में। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए? चीन, जापान, इंग्लैंड, भारत। तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया है? अजातशत्रु, शेरशाह सूरी, चंद्रगुप्त मौर्य, अजीमशान। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अजातशत्रु के समय पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। 9 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी आपको मालूम होना चाहिए राजगृह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लगाया गया? तो बम्बई में किराया कानून 1918 में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू हुआ? आधुनिक नगरों का विकास आपको कब से शुरू हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिक नगरों का विकास शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी? 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उदयीन। उदयीन के समय पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? तो मुंबई थी। कौन थी? तो मुंबई, इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो लंदन में भूमिगत रेल 1863 में शुरू किया गया था।
1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना पहुंच गया था? तो लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख पहुंच गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रयू मियनर्स। ऑप्शन नंबर सी, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोलघर बनाया गया था? अफीम, हथियार, अनाज, कपास। तो अनाज के भंडारण के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया था। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर 1819 में बनाया गया था। सी इज राइट आंसर। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया था? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो चार्टिस्ट आंदोलन बालिक पुरुषों के लिए मताधिकार के मांग के लिए शुरू किया गया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते। 24 नंबर में, पूंजीपति वर्ग द्वारा सबसे अधिक शोषण किसका हुआ था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी वर्ग। तो सभी वर्ग हो जाएगा इसके आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो 25 का आंसर क्या होगा मेरे मित्र? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो औद्योगिकरण ने शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गार्डन सिटी योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी योजना किसने बनाई मेरे मित्र? तो एवेंजर हार्वर्ड ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन लंदन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम अगला चैप्टर का वीडियो जल्द लेकर आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उच्चतम स्कोर प्राप्त करें, तो आपके अपने चैनल पीकेबी मैथ्स को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।